उसको दाग देना पड़ेगा। वो कैसे आया भाई वो? ओ भाई साहब ये रहा, अच्छा से देख पा रहे आप लोग? रोड का कंडीशन देखिए, पूरा अंधेरा हो चुका है गाइस। तो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग भी अच्छे ही होंगे। और लास्ट टाइम मैं अपकमिंग ब्लॉग आप लोगों के लिए जो यूट्यूब में पोस्ट डाले थे और फेसबुक में भी डाले थे, तो वो क्या हो चुका है गाइस, मेरा मोबाइल से हर जितना भी वीडियो था सब कुछ डिलीट हो चुका है। फोटो था, फोटो तो सब कुछ डिलीट हो चुका है। कैसे मैंने मतलब एक दो फोटो डिलीट करने के सोच रहे थे, पूरा का पूरा डिलीट हो चुका है। और जहाँ पे मैं डिलीट का ऑप्शन में रखता था वहाँ पे भी मैंने डिलीट कर दिया गलती से, तो इसीलिए वीडियो नहीं आ पाया गाइस। तो उसके लिए आप लोग को माफ़ी चाहता हूँ। तो अभी जा रहा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में मैं तावांग जा रहा हूँ गाइस। तो मैं कभी भी आज तक ऐसे जगह में नहीं गया हूँ जैसे लद्दाख कश्मीर टाइप। तो तावांग में भी हम लोग का लद्दाख से भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल प्लेस है, तो वहाँ पर जाएँगे आज। और तो चलिए फटाफट निकालते हैं यहाँ से, और क्यों जा रहे हैं आप वीडियो बने रहिएगा, सब कुछ मालूम चल जाएगा। तो चलिए निकालते हैं फटाफट से। सो गाइस, अभी हम लोग जा रहे थे यहाँ पे नंबर, अभी जो वहाँ पे यहाँ पे रोड पे जो जंगली वाला एलिफेंट यहाँ पे मिला है, मैं अकेला जा रहा हूँ देखने के लिए। यहाँ पे ये टर्निंग में साइड में ही है वो भाई साहब, सुबह सुबह मिल गया। अभी हम लोग को हो रहा है देर और ये जा रहा है पूरा अपने रोड का, मतलब गाड़ी जहाँ चलते वही रोड का साइड ही साइड जा रहा है। हाँ, देखना पड़ेगा अभी। ये रहा, अच्छा से देख पा रहे आप लोग? ये सीधा जा रहा है, इसलिए हम लोग जा नहीं पा रहे सीधा से। मुझे ना ये सब देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है यार। और मैं क्या बताऊँ, मुझे इतना डर नहीं लगता है जितना आदमी लोग डरता है, क्योंकि मैंने उसको आज तक कुछ किया नहीं है। या हाँ, उसने भी हमको क्यों तकलीफ देगा? हाँ, बात समझ रहे ना गाइस। तो ये देखिए ना अभी तेरी इधर से जो गाड़ी आ रहा है वो तो चलिए ठीक है, इधर से आ रहा है उसका पीछे पीछे, उधर से जो रॉन्ग साइड में मतलब वो साइड से जो आ रहा है वो कैसे जाएगा? रिटर्न एक गाड़ी आया था बोलेरो, वो घुमा के भागा है। मैंने वीडियो में कैप्चर नहीं किया लेकिन घुमा के भागा है वो। ये वाला बंदा, इसको दाग देना पड़ेगा। वो कैसे आया भाई वो? ओ भाई साहब, उसने शायद देखा ही नहीं यहाँ पे हाथी रुका हुआ है। सो गाइस, अभी हम लोग पहुँचाए नुमलीगढ़, और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं पूरा गाय का यहाँ पे बिजनेस चल रहा है, मतलब गाय का मार्केट है यहाँ पे। माय गॉड, पहली बार देख रहा हूँ यार, पूरा का पूरा यहाँ पे गाय। ओ माय गॉड, तो यहाँ पे पूरा सांडे है, तो यहाँ पे गाय का पूरा मार्केट लग रहा है। आप देख पा रहे हैं पूरा गाय ही गाय है यहाँ पे। फिलहाल हम लोग अरुणाचल आके पहुँच गया है और यहाँ पे और बॉर्डर पे हम लोग घुस चुका है, लेकिन हम लोग ILP चेक नहीं किए। अभी आगे में जाने के बाद शायद बॉम डीलर पे चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे अभी मैं जस्ट यहाँ पे घुसा हूँ, तो यहाँ पे राइस का होटल है, तो देखने गए हो राइस है कि नहीं। तो अभी सुबह में मिला नहीं है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ अरुणाचल आ चुका हूँ। और अभी फ़िलहाल यहाँ से और 300 किलोमीटर है गाइस तावांग के लिए, मतलब तावांग से मतलब लुमला जाएंगे फिर से। तो अभी फ़िलहाल चलिए, और सबसे बड़ा बात है कि ILP मैंने बनाया ऑनलाइन पे गाइस। आप लोग अगर कभी आना चाहते हो अरुणाचल प्रदेश तो ऑनलाइन भी बना सकते हैं आप लोग ILP। तो ऑनलाइन में आप लोग वेबसाइट में मिल जाएंगे ILP मारने से अरुणाचल। तो अभी फ़िलहाल यहाँ से फटाफट निकालते हैं और अच्छा से कहाँ पर राइस पे होटल में जाके खाना वाना खाते हैं और देखते हैं ILP कहाँ चेक करते हैं। अभी तक ILP चेक किया नहीं है लेकिन। और गाइस, अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा हल्का होने के लिए उतर रहा हूँ, और रोड जो है यहाँ पे पहाड़ों के अंदर ऊपर 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 से ही है। सो यहाँ पे क्लाउड देखिए ना, कितना सारा क्लाउड है और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे ठंडा हो चुका है। सो गाइस, आप लोग जब तावांग के लिए जाएंगे तो ये टनल जो है नया बनाया गया है, और इसको 12 तारीख को ओपनिंग है, और इस टनल का नाम है निथीपू टनल। और बहुत ही ज़्यादा गाइस थोड़ा जल्दी पहुंचेंगे, थोड़ा टनल ये बनाया गया है अभी, और इनॉग्रेशन जो है 12 तारीख सितंबर को होने वाला है। अभी हम लोग कौन सा जगह में आके पहुँचा पता नहीं, यहाँ पर हम लोग लंच करेंगे अभी। और गाड़ी का जो है, गाड़ी का कंडीशन क्या हो चुका है बोलने से गाइस आप लोग को अभी मैं दिखा रहा हूँ। मतलब जब हम लोग ज़्यादातर पहाड़ इलाका में जब गाड़ी चला रहे हैं ना गाइस, तो इसीलिए गाड़ी में क्या हो चुका है, ब्रेक हम लोग ज़्यादा पकड़ना पड़ रहा है, तो ब्रेक पकड़ने के चक्कर में मतलब बहुत ज़्यादा हीट हो चुका है गाड़ी पे, टायर पे, तो गन आ रहा है थोड़ा सा जला हुआ जैसा गन आ रहा है। तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर रेस कर रहे हैं, क्योंकि गाइस बहुत चढ़ाई में चढ़ना पड़ता है, और जब डाउन में होता है तो ब्रेक हमेशा कंटिन्यू ब्रेक में पाँव रहता ही है, तो इसीलिए टायर बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है। तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे लंच कर लेते हैं अभी, और टाइम हो चुका है अभी 1:15, तो लंच उच करेंगे। और यहाँ पर व्यू देखिए ना, ये नदी है और हम लोग आए पूरा ऊपर से ऐसे 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 करके, और ये देखिए ऐसे करके जा रहा है, फिर से ऊपर जा रहा है ऐसे करके। तो यहाँ पे आप लोग लंच उच करेंगे फटाफट, और गाड़ी को भी थोड़ा ठंडा होने देते हैं। बहुत ही ज़्यादा डर भी लगता है गाइस, यहाँ पे कोई भी ऐसे मैकेनिक वैकेनिक दिखाई नहीं दिया है, इसलिए डर लग जाता है। तो फटाफट थोड़ा सा
इसको ठंडा होने देता है पटना से। ये आ चुके हम लोग का खाना गाइस। चिकन ही देने दो एक प्लेट। तो गाइस यहाँ पे हम लोग का खाना आ चुका है यहाँ पे। और जब हम लोग यहाँ पे खाने के लिए देखे तो यहाँ पे इतना ज्यादा ठंडा है। तो यहाँ पे देखिए कभी मतलब यहाँ पे गर्मी होता ही नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे पंखा ही नहीं है, देख पा रहे आप लोग। अभी बज रहा है शाम का 5 और रोड का कंडीशन देखिए पूरा अंधेरा हो चुका है गाइस। तो हम लोग अभी भी तवांग पहुँचने के लिए 100 किलोमीटर बाकी है। तो अभी हम लोग शायद सिलापास में स्टे करेंगे आज। सो गाइस अभी हम लोग आके सिलापास पहुँचने वाला है और सिलापास यहाँ से 20 किलोमीटर है और शाम का बज रहा है 5। लेकिन अंधेरा इतना ज़्यादा हो चुका है गाइस, हम लोग को थोड़ा भी रोड दिखाई नहीं दे रहा है। और सबसे वाला रिक्शी वाला बात यही है क्योंकि रोड का साइड में ही मतलब क्या बताएं गाइस, रोड का साइड में बहुत ही ज़्यादा ढलान है और इधर में है मतलब ढलान बहुत ज़्यादा ढलान है, इसलिए गाड़ी नहीं चला पा रहा। अगर थोड़ा सा मिस्टेक हो जाए तो गाय जान में मतलब जान से हम लोग हाथ धो बैठेंगे। तो इसीलिए अभी यहाँ पे हम लोग का जो आर्मी वाला लोग को पूछ रहे हैं कि यहाँ पे होम स्टे है कि नहीं, यहाँ पे है पास में ही है, दिखाई नहीं दे रहा होगा देखिए। सो गाइस अभी हम लोग पहुँच गए सिलापास और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे ठंडा सा हवा चल रहा है और यहाँ पे मंदिर आप लोग देख पा रहे हैं। हम सिलापास पहुँच गए लेकिन यहाँ पे हम लोग को रुकने के लिए कोई जगह नहीं मिला और रात का बज चुका है, आप देख सकते हैं 7:15, गला भी बीत चुका है। अभी फटाफट देखते हैं कहाँ रूम मिलेगा रहने के लिए और फटाफट रूम में जाके सोना है, बहुत ही ज़्यादा नींद भी लग रहा है गाइस। तो यहाँ पे अभी ये देख सकते हैं जंग। तो अभी फटाफट निकालते हैं यहाँ से। वेलकम टू जिल्ला, बहुत ठंडा है यार। अभी हम लोग आके जंग बोल के एक जगह का नाम है जहाँ पे हम लोग ढूंढते ढूंढते यहाँ पे होटल अभी फिलहाल हम लोग को फाइनली मिल चुका है। यहाँ पे ये होम स्टे टाइप नहीं है, मतलब होटल ही है यहाँ पे। सो अभी यहाँ पे दिखा भी नहीं पा रहा, तो हम लोग यहाँ पे फाइनली रूम मिल चुका है। तो यहाँ पे खाना वाना खाएंगे और जो हम यहाँ पे जो ओनर है आसाम का ही है, तो हम लोग अभी रूम देख के खाना वाना बना के खाएंगे अभी फटाफट से। बहुत ही ज़्यादा शांति मिल रहा है आने के बाद। तो गाइस अभी सुबह का बज रहा है 5 और हम लोग अभी फिलहाल रात में जब आए जंग बोल के एक जगह है तवांग का डिस्ट्रिक्ट जो है तवांग का ही है, लेकिन यहाँ पे हम लोग रुके रात में करीब हम लोग 8:30 बजे यहाँ पे पहुँचे हैं। और अभी फिलहाल सुबह का आप लोग जब हम रूम का बाहर जब आके देखे बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा था, तो आप लोगों को भी दिखाते हैं। ये देख सकते आप लोग कितना सुंदर है ना पहाड़ों के बीचों में। और देखिए अब हम लोग यही होटल में यहाँ पे रुके, तो रात सुबह में अभी जस्ट यहाँ पे बाहर पे आवाज़ सुनाई दिया, इसलिए मैं बाहर में जब निकला तो ये व्यू दिखाई दिया। तो तवांग तक हम लोग पहुँचे नहीं, तवांग यहाँ से और 60 किलोमीटर जैसा है, 60 किलोमीटर से तवांग है। तो आज तवांग में जाएंगे और ठंडा बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, रात में ठंडा ज़्यादा हो गया था। तो गाइस आप लोगों को होटल देखा था हम लोग कहाँ में रुके थे कल रात में, यहाँ पे होटल नूरानी। और होटल तो हम लोग रात में रहने के लिए ठीक ही था, हम लोग का इमरजेंसी था। अगर आप लोग को ज़्यादा इमरजेंसी नहीं हो तो आप लोग तवांग में जाके रहिए या आप लोग धीरांग में रहिए, रुके बीच में आके आप लोग मत रुके क्योंकि यहाँ पे अच्छा होटल कहीं भी नहीं है। सर्विस और यहाँ का रूम बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, लेटरिन बाथरूम सब कुछ ख़राब है, तो यहाँ पे रूम इतना अच्छा नहीं है। हाँ हाँ बस यहाँ पे रहने को मिल जाए उतना ही बहुत लोग। अभी बताना चाहता हूँ कि हम लोग तवांग किस लिए आया, तवांग से थोड़ा सा तवांग नहीं पहुँचना पड़ता है, लुमला बोल के एक जगह है, यहाँ पे इसलिए आया हूँ गाइस क्योंकि मामून को यहाँ पे सेंट्रल का जो जॉब होता है, कौन सा जॉब मामून तुम ही बता दो। ये हमारे स्कूल में जॉब मिला है मुझे, तो इसीलिए इसको यहाँ पे मैंने ड्रॉप करने आया था। और मैं तवांग को अच्छा से एक्सप्लोर करूँगा लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम है और यही मैं बस यहाँ पे छोड़ने आया इसको। और यहाँ पे ये जगह देखिए आप लोग, यहाँ पे हॉस्टल है, रूम तो यहाँ पे बगल में ही है ना। हाँ, लोग क्या बताएं आप लोगों को, बहुत हेलो बाय बाय कर रहा है। सो गाइस अभी मामून को मैं रख के आ चुका हूँ वहाँ से, तो अभी घर के लिए निकल रहा हूँ। बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होता है गाइस, रास्ता बहुत ही अच्छा है, नो डाउट रास्ता बहुत अच्छा है, लेकिन जितना घूमना पड़ता है ना एक ही पहाड़ को 10 बार चक्कर लगाना पड़ता है ना, मेरा जो चक्कर ही आ चुका है। सो यहाँ से हमको खाना वाना खा के अभी रुका हूँ, कौन सा जगह यहाँ पे नाम तो नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से निकलेंगे अभी, आने वाला टाइम पे तवांग को बहुत ही अच्छा तरीके से एक्सप्लोर करेंगे क्योंकि आने वाला टाइम में धमाका वीडियो आने वाला है। और मैं एक अभी क्या बताऊँ, आने वाला ब्लॉग आप लोग देखिएगा मालूम चल जाएगा, बहुत ही धमाका वीडियो आने वाला है। सो ऐसा एक चीज़ लेंगे गाइस, उसी को लेके अच्छा से ब्लॉगिंग करेंगे और अच्छा से एक्सप्लोर करेंगे। तो अभी यहाँ ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय।